इंटरव्यू दे दिया है और मेरा इंटरव्यू देने के बाद अभी तक मेरा वीजा नहीं आया। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कुवैत के अंदर और मेरा वीजा नहीं मिल रहा है? मैं इतने दिन से वेटिंग कर रहा हूँ। तो सो गाइस, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुवैत के अंदर इतना लेट वीजा क्यों मिल रही है, इसकी क्या वजह है और किस वजह से लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा गाइस। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो सवाल ये है कि कुवैत में ऐसा क्या प्रॉब्लम है किसके वजह से वीजा नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो वीजा जो प्रॉब्लम है वो कुवैत की जो मिनिस्ट्री है वहाँ से प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार, मैं कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, कंपनी वाला मुझे वीजा नहीं दे रहा है। तो कंपनी वाला भाई वीजा ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री वीजा ही नहीं इशू कर रहा है। ओके, तो मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या, किस वजह से वीजा कुवैत का इतना स्लो है। ओके, ऑलमोस्ट कुवैत का जो वीजा, हर एक वीजा यहाँ मिनिस्ट्री इशू कर रही है, बाकी जो वीजा है उसका प्रोसीजर काफ़ी स्लो है। इसका वजह यह है कि कोरोना, इसका वजह यही है कोरोना। मेरे भाई लोग, मेरे दोस्तों, कोरोना का वजह से कुवैत का जो काम है, कुवैत की जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी स्लो हो गया है। ओके, पहले कुवैत के अंदर डेली का 1200 वीजा डेली इशू किया जाता था। ओके, कंपनियों का 1200 वीजा डेली इशू होता था, बाकी कोरोना के वजह से जो काम है कुवैत के अंदर काफ़ी स्लो हो गया है। और कुवैत में स्पेशली यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस, हर एक चीज़ को जो रूल्स होता है यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जिसके वजह से काम काफ़ी स्लो हो गया है। तो कुवैत के अंदर फिलहाल अभी जो है मिनिस्ट्री 600 वीजा इशू कर रही है। अंदर खाली एक कंपनी नहीं है, कुवैत के अंदर हजारों कंपनी है, तो हजारों कंपनी वीजा का रिक्वेस्ट करती है, तो जिसका नंबर आता है वहाँ पे तो वो वीजा उसको मिलता है। ओके, तो यही वजह है कुवैत के अंदर जो वीजा है काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो काम है कुवैत के अंदर। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो गाइस आप वेटिंग कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगा आप कहीं दूसरे जगह भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, बस यही प्रॉब्लम था मिनिस्ट्री का, इसके वजह से वीजा काफ़ी स्लो है। जैसे कि जो काम पहले एक महीने में होता था, अभी वो काम यहाँ पे 4 महीना 5 महीना लग रहा है। ओके, तो इसी के प्रॉब्लम के वजह से कुवैत का जो वीजा है काफ़ी स्लो है। आप यहाँ पे वीजा 18 भी चालू है, वीजा 20 भी चालू है, वीजा 22 भी चालू है, विजिटिंग वीजा भी चालू है, सब वीजा चालू है, बाकी काम का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो वीजा को नहीं दे पा रही है, और लोग सोचते हैं कि यार मैंने इंटरव्यू दे दिया है, मैं 5 महीना 6 महीना से वेटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही वजह, इसके वजह से वीजा नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो अगर आपने मेरी कंपनी में इंटरव्यू दिया है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, कुवैत रिसोर्स हाउस में, कैरेज में, तो गाइस हमारे भी कंपनी का सेम ही प्रॉब्लम है। हमारे कंपनी के पास बहुत सारी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, हर एक पोजिशंस यहाँ पे ओपन्स है। ऑलमोस्ट कंपनी ने एक महीना पहले कुछ 50 वीजा इशू की थी, तो 50 लोग को इंडिया से कुवैत में कंपनी ने लेके आई है, मतलब कुवैत के अंदर वो पहुँच गए हैं, उनका जो प्रोसीजर है वो चालू है, उनको मतलब जॉब के लिए उनको पूरा मेडिकल टेस्ट जो है वो सब कुछ होएगा, क्योंकि कुवैत में आने के बाद तुरंत यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद यहाँ पे जॉब मिलता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो बैच है हमारी कंपनी का, उसका वेटिंग है, तो फिलहाल अभी इस समय कुछ वजह से वीजा भी इशू नहीं हो रहा है, तो शायद आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद वीजा जब इशू हो जाएगा तो नेक्स्ट बैच भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यह है कुवैत का जो वीजा है काफ़ी स्लो है। अगर अभी तक चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा के ऑल बटन को जरूर दबा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।